महापर्व पर रविवार को व्रतियों ने अस्तांचलगामी में अर्घ्य देकर सुख समृद्धि की कामना की। छठ पर्व के लिए शहर अंबाझरी, फुटाला, सोनेगांव, पुलिस लाइन, टाकली, कन्हान, इसासनी, पारडी, शिंगना, बुटी बोरी, हिंगना, वाड़ी, कामठी, मोटा, सौसर, धामना, चनकापुर, निमची खदान छठ पूजन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। व्रतियों के लिए प्रशासन की ओर से कई स्थानों पर कृत्रिम टैंक भी बनाए गए थे। इस दौरान भक्तों ने विधि विधान के साथ सूर्य देव का आवाहन किया। घाटों पर अस्तांचलगामी सूर्य को अर्घ्य देकर भव्य नजारा देखने को मिला। शहर के 20 से अधिक स्थानों पर श्रद्धालुओं ने अस्तांचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया। सुबह से निर्जला व्रत कर भक्तों ने छठी मैया और सूर्य देव की उपासना की। संध्या होते ही घाटों पर व्रतियों द्वारा वेदी बनाकर कलश की धूप दीप जलाकर विधि पूर्वक भगवान भास्कर की पूजा कर प्रसाद अर्पित किया गया। कुछ छठ व्रतियों ने अपनी मन्नत पूरी होने पर दंडवत प्रणाम करते हुए घाट पहुंचे और छठी माता की उपासना की। छठ व्रतियों पर भी पुष्प वर्षा कर सूर्य देव के भजनों और गीतों से घाट गूंज उठे। श्रद्धालुओं के लिए शहर के प्रमुख स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा निःशुल्क व्यवस्थाएं की गई। व्रतियों के साथ उनका पूरा परिवार छठ महापर्व मनाने के लिए घाट पर पहुंचा। स्वयंसेवी संस्थाओं ने घाटों पर स्वच्छता का ध्यान रखते हुए व्रतियों को विविध सुविधाएं उपलब्ध करवाई। सभी घाटों पर पुलिस और बचाव दल की कड़ी सुरक्षा थी। नहाय खाय से स्टार्ट होता है, फिर कल खरना होता है, फिर आज छठ पूजा है और फिर आज जैसे कार्तिक मास की षष्ठी तिथि को ये छठ पूजा का आयोजन किया जाता है। परम पुराणों के अंतर्गत मान्यता है कि ये षष्ठी तिथि मतलब आज छठ पूजा के दिन सूर्य से जो किरणें निकलती हैं अल्ट्रावायलेट रेज फ्री होता है और साथ साथ इसके साथ साथ बहुत सारे पौराणिक कथाएँ आस्था जुड़ी हुई है। तो ये एक स्पेशली बिहार यूपी और नॉर्थ इंडिया की बात अगर करें तो ये छठ पूजा का बहुत ही बड़ा महत्व है अपने आप में और लोग दूर दूर से लोग चाहे वो फॉरेन में हो या कहीं पे भी हो, जैसा कि आप लोग भी जानते होंगे कि विदेशों तक में जो लोग उत्तर भारतीय जहां लोग हैं वहां सेलिब्रेट करते हैं और काफ़ी अच्छी वहाँ पर सुविधाएँ मिलती है लोगों को। यहाँ पर भी नागपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और यहाँ के जो पुलिस विभाग और यहाँ के लोग भी जो विदर्भ क्षेत्र और बाकी जगहों के जो लोग हैं आरएसएस, बीजेपी या फिर अन्य और भी जो आर एस शिवसेना या फिर कांग्रेस या जितने भी ये हैं राजनीतिक जो पार्टियां हैं उन सभी लोगों का सदस्यों का काफ़ी अच्छा सहयोग होता है और जिसकी वजह से इतना भव्य आयोजन यहाँ पे हम लोगों को फील ही नहीं होता है कि हम बिहार में नहीं हैं। नहाय खाय से शुरू होता है छठ पूजा की, फिर उसके दूसरा दिन खीर के प्रसाद होता है, फिर तीसरा दिन उपवास, फिर शाम को वो घाट पे तालाब उलाब नदी उदी पे जाना पड़ता है, मतलब वो अर्घ देने के लिए उसमें सारे फल रहते हैं। इन बीसी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ अभिषेक मानसिक रिपोर्ट।